नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ आज फिर से जुड़ रहे हैं जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट दीपक कुमार जी। दीपक जी, स्वागत है। देखिए, एक सवाल फिर से बहुत तेज है और समस्या लोग झेल रहे हैं कि लोगों के पास हनी ट्रैप ना कहें, जो शब्द प्रयोग में है, सेक्सटॉर्शन, लोगों के पास वीडियो कॉल आ रहे हैं, अजनबी वीडियो कॉल। आपने कॉल रिसीव कर लिया, उधर से कोई नंगी लड़की या नंगी होती लड़की, फिर वो आपको पागल बनाती है, आप भी कुछ ऐसी हरकत कर लेते हैं, आपको पता नहीं, आपको तो लगता है कि आप मज़े के लिए कर रहे हैं, आनंद के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो खेला शुरू होता है। अभी आप बता रहे थे कि दिल्ली में कुछ महीने पहले एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया जिसने 2 करोड़ रुपयों का एक्सटॉर्शन किया, 8 करोड़ रुपयों का, और इस गिरोह में फिलीपींस की लड़कियां भी शामिल हो गई। इधर मैं बिहार में लगातार सुन रहा हूँ लोगों के पास इस तरीके से कॉल्स आ रहे हैं। क्या ये तरीका है और इसे कैसे रोका जा सकता है? यह भी बात आ रही है कि आजकल तो जो डीपी होता है उस पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जैसा डीपी लगा होता है। जी, बेसिकली सोशल साइट्स की दुनिया में जब कभी भी आप भावनात्मक हो रहे हैं, जिस व्यक्ति को आप न जानते हैं न पहचानते हैं, या ऐसे भी किसी व्यक्ति के साथ आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इमोशनल हो रहे हैं, तो पहली चीज़ याद रखिए कि आपको नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए आपको सबसे पहले कि सोशल साइट्स की दुनिया एक अच्छी दुनिया है, जहाँ पर आप चर्चाओं का विषय बनाइए, जहाँ पर आप इमोशनल्स और अगर आप मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के लिए सोच रहे हैं तो आने वाला दिन जो है आपके लिए परेशानी और घातक का होगा। दूसरी चीज़ है कि आप क्या करते हैं कि कोई भी बहुत क्या होता है कि उन लोग का एक नेटवर्क होता है, उन लोग का एक गिरोह होता है, जिसमें क्या किया जाता है कि मतलब कि आप कुछ रिक्वेस्ट आते हैं या रिक्वेस्ट आपके पास जो नज़र आते हैं आप उनको भेज देते हैं। भेजने के बाद आप 1-2 दिन चैट करते हैं, चैट करने के बाद आप उन पर क्या करते हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं। उधर से कोई भी लड़कियाँ न्यूड हो जाती है या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो भी चला दिया जाता है और उस तरह से उसको जूम कर दिया जाता है जो आपको लगता है कि सामने में गर्ल्स ही है, और वो क्या करता है कि आपकी सारी वीडियो फोटोग्राफ्स और स्क्रीनशॉट लेकर क्या करता है, रिकॉर्ड वे में रख लेता है। फिर आपको क्या करेगा, वो बोलेगा कि मतलब कि इतना पैसा मुझे चाहिए। कोई क्या करेगा, कॉल करेगा आपको, बोलेगा कि हम दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात कर रहे हैं, कोई बोलेगा कि हम CBI ऑफिसर से बात कर रहे हैं, कोई बोलेगा कि CID में बात कर रहे हैं, और उनका स्टेटमेंट्स होगा कि मतलब कि आप उनसे मैनेज कर लीजिए, वीडियो हटा देते हैं हम। ठीक है, लेकिन सबसे पहले एक वीडियो हटा देते हैं, कहाँ ये वीडियो लगाते हैं? वीडियो जो होता है अपने पास रखे हुए रहते हैं। ठीक है, और वो बोलते हैं कि सामने वाला जो मोबाइल में रखे हुए वीडियो उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। सामने वाला व्यक्ति आपको थ्रेटिंग देगा कि हम आपको क्या कर रहे हैं कि सारे जो है सोशल साइट्स पे जो आपके संपर्क में कॉन्टेक्ट में उनको वायरल करेंगे। दूसरी चीज़ वो कहते हैं कि हम यूट्यूब पर इसे लोड करेंगे। ठीक है, और फिर आपको इस तरह से क्या करने लगते हैं, ब्लैकमेल करने लगते हैं। लेकिन आप जब कोई भी कॉल अगर इस तरह का आप अगर कहीं पर, सबसे पहली चीज़ है कि आप ऐसे लोगों से क्या रहिए कि सावधान रहिए और भावनात्मक बिल्कुल मत होइए। याद रखिए कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भावनात्मक होना आपके लिए नुकसान ही होगा। दूसरी चीज़ है कि जब कोई आपको ऐसे बोले, आप क्या करिए कि स्पॉट उसको क्या करिए कि ब्लॉक लिस्ट में डालिए। और कोई भी पुलिस की हायर अथॉरिटी जो होती है, चाहे वो CBI हो, चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो या कोई IPS हो, वो किसी व्यक्ति को कॉल नहीं करता है। अगर कोई कॉल भी करेगा तो आपको SHO लेवल से करेगा। लेकिन मान कर चलिए किसी के पास आपका वीडियो है और वो बोले कि हम ये मेरे पास वीडियो है, तो इस आधार पर आपको ब्लैकमेल कर सकता हो, किसी पुलिस के पास वो स्वयं नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करिए कि भावनात्मक नहीं होइए और किसी पर इस तरह से विश्वास मत करिए। और जब भी वो पैसा मांगे, कभी भी उसको आप पैसा नहीं दीजिए, क्योंकि आज मांगिएगा वो आपको इमोशनल अटैचमेंट देख लेगा और फिर वो कल के डेट में फिर बोलेगा कि इतना पैसा दो। इसलिए पैसे की लत कभी भी अगर आप फंसे भी हैं तो नहीं लगाना है। दूसरी चीज़ है कि आप स्पॉट क्या करिए कि साइबर क्राइम पोर्टल पर आप कंप्लेन करिए या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर कंप्लेन करिए। जो उसके द्वारा नंबर यूज किया जाता है उसको क्या करती है पुलिस, क्या करती है कि नंबर को ब्लॉक कर देती है और अकाउंट को फ्रीज कर देती है। तो नंबर भी ट्रैक होता होगा, कल्पित तो पकड़े जा सकते हैं ना? देखिए, नंबर ट्रैक्स होते हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली नंबर्स जो होते हैं वो फर्जी होते हैं। जो अकाउंट में पैसा वो लेते हैं वो क्या करते हैं कि डिफरेंट जगह से क्या करते हैं कि जब उसे विड्रॉल करते हैं तो उस बेसिस पर वो क्या करते हैं, किसी अकाउंट में पैसा लिए आपसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो अकाउंट बेसिस के आधार पर क्या होता है कि उनकी अरेस्टिंग्स होती है। कभी कभी पुलिस क्या करती है कि फ़ोन का लोकेशंस लेकर, फ़ोन अगर ऑन कंडीशंस में है तो
तो फोन का लोकेशन लेकर उस तक एक उस तक पहुंच भी जाती जैसे दिल्ली में जो आप बता रहे थे। हाँ, दिल्ली में एक मामला 8 करोड़ रुपए का मामला था। जब उसका इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि उसने 8 करोड़ रुपया जो है औसत आपसे 5,000, 10,000, 20,000 से स्टार्ट करेगा और इसकी कोई सीमा नहीं को कहां तक वो पहुंचेगा। मैं ऐसा समझता हूं कि ये जो सेक्सटॉर्शन है ये बिल्कुल एक ठेट बिजनेस है और जितने भी मामले हैं वो कहीं वायरल करते नहीं हैं या कहीं कुछ ऐसा नहीं करते क्योंकि जानते हैं कि इसके बाद तो पुलिस में जाएगा ही जाएगा। इसलिए आपका बिल पावर बड़ा ही मजबूत होना, बिल पावर आपके पास मजबूत होना चाहिए। लगभग 99.9% जो होता है वो आपको सिर्फ धमकी देते हैं क्योंकि वो भी जानते हैं कि हम किसी का निजी तस्वीरों को वायरल कर रहे हैं तो वह एक क्राइम है। और जब हम किसी के गोपनीयता का हनन कर देंगे तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, पुलिस स्टेशन जाना। तो पहले करते थे वायरल, लेकिन आज के समय में वो वायरल नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम क्राइम करेंगे। इसलिए वो आपको वायरल ना के बराबर करते हैं, 1-2% केसेस में करते हैं। और दूसरी चीज़ है कि आप इन्हें कभी भी पैसा मत दीजिए, पुलिस को आप बोलिए, साइबर क्राइम पोर्टल पर आप कंप्लेन करिए, ठीक है, उनके नंबर को बंद कर दिया जाता है, जिस अकाउंट में पैसा वो मांग रहे वो भी फ्रीज कर दिया जाता है। पुलिस वाले तो डांटने लगे कि आपने अपना कपड़ा क्यों खोल लिया, आपने अजनबी क्यों कॉल रिसीव कर लिया। लेकिन अब तो जब गलती हो गई, मान कर चलिए किसी से गलती हो गया, कोई क्राइम्स कर रहा है, कोई थ्रेटिंग्स दे रहा, तो एक क्राइम से अपने आप में पुलिस को वहाँ पर उस बातों को, ठीक है उसने गलतियाँ किया जो कि सामाजिक गलतियाँ हैं, लेकिन कानूनी रूप से जो गलतियाँ कर रहा है, रंगदारी एक तरह से कह रहे हैं कि मांग रहा है, धमकी दे रहा है, तो यह अपने आप में क्राइम्स है और पुलिस को इसका सॉल्यूशंस करना चाहिए। चलिए, तो आपने सुना दीपक कुमार जी से कि किस तरीके से सेक्सटॉर्शन से आपको बचना है। यदि आप सोशल साइट्स पर हैं आप भावना में मत बहिए, आप इसका इस्तेमाल पॉजिटिव कीजिए, अपने संपर्कों को बढ़ाने के लिए कीजिए, विचार के आदान प्रदान के लिए कीजिए। और दुनिया बिल्कुल अब गांव की तरह होती जा रही है, उनसे जुड़ने के लिए कीजिए। लेकिन यदि कोई अजनबी है जिसे आप नहीं जानते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि उनके साथ आप चैट प्रारंभ कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है कि उनके साथ आप वीडियो कॉल शुरू कर दीजिए। वैसे भी कहा गया है कि वीडियो कॉल जब आप किसी का रिसीव कर रहे हैं तो कम से कम प्रॉपर ड्रेस में आपको होना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि वीडियो कॉल करने वाला व्यक्ति जिसे आप जानते नहीं हैं तो पहले वीडियो कॉल मत रिसीव कीजिए, यह कंफर्म कीजिए कि वीडियो कॉल करने वाला व्यक्ति कौन है, सही है या गलत है। तो ऐसे मुद्दों को लेकर हम आपको हमेशा सतत जागरूक करते रहेंगे क्योंकि देखिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, हम चाहते हैं आप किसी दुर्घटना के शिकार न हो। तो इसलिए देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।